फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू महिंद्रा की बुलेरो का लेटेस्ट मॉडल 2024 वाला वेरिएंट। और आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं क्या कुछ इसका करंट ऑन रोड प्राइसिंग जा रहा है, किस तरह से आप फाइनेंस करा सकते हैं, क्या ऑफर सभी इससे यहाँ पे अपनी बुलेरो में चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमारी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे सुमित जी, जो कि सेल्स में है, ये डिटेल्स में फुल फाइनेंस डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो सुमित जी, आपका वेलकम है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें ये बताएं सबसे पहले कि अपनी बुलेरो जो है वो अभी कितने में जा रही है ऑन रोड। देखिए सर, अभी हम स्टार्ट बुलेरो जो हमारे पास महिंद्रा का बुलेरो है वो आपको 11,60,000 से स्टार्ट है, ठीक है, जो 12,60,000 तक जाएगा। 11,60,000 से स्टार्ट है, 12,60,000 तक जाएगा। ये कौन सा वाला मॉडल है? ये सर BS6 है, यहाँ B6 है, एक B6 ऑप्शनल आता है और एक B4 आता है। B4 आता है जी। तो ये मतलब हमारा सबसे मतलब टॉप हो गया, उससे एक नीचे? नहीं, ये टॉप नहीं है सर, ये आपको B6 है, बीच वाला है, और टॉप में आ गया B6 ऑप्शनल आ जाएगा। ऑप्शनल आएगा। तो ये ऑन रोड कितने में जा रहा है? ये ऑन रोड पड़ेगा सर आपको 12,00,000 रुपया पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हम करेंटली अगर इसे फाइनेंस कराना चाहते हैं तो कितने का डाउन पेमेंट करना होगा? सर दो लाख से स्टार्टिंग की है, बोलेरो का जो भी डाउन पेमेंट है 2,00,000 से स्टार्ट है। 2,00,000 रुपये जी। ठीक है। तो डाउन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें लग जाएगा वो थोड़ा बता। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, और अगर यदि कस्टमर का GST रिटर्न फाइल है तो उनके फाइनेंस में बेटर सुविधा मिल जाएगा, अगर नहीं है तब भी हम लोग फाइनेंस करके देंगे उनको। तो ये हो गया अपना मतलब ओवरऑल में इनकम प्रूफ वाला का जी। और अगर कोई विदाउट इनकम प्रूफ है तब तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल है तो दे दें, और ना बिजली बिल हो तो जमीन का रसीद हो, अगर किसान क्षेत्र से हैं तो जमीन का पेपर दे दें मुझे तो उनको लोन कर दिया जाए। तो कितना तक जो है उनका डाउन पेमेंट आ जाएगा फिर? 2 से 2.5 लाख के आसपास में आएगा, अगर हाँ कम से कम, मतलब मिनिमम जो है उनका कम से कम डाउन में 2 से 2.5 लाख तक। अगर ज्यादा कस्टमर लगाना चाहता है तो उनको ब्याज में बचत होगा तो लगा सकता है, कोई दिक्कत। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है? देखिए बोलेरो में अभी हम लोग 7% का दे रहे हैं सर, अगर कम डाउन पेमेंट लगा रहा है तो, अगर ज्यादा डाउन पेमेंट लगाएगा तो 6 से 7 का बीच में देंगे। तो कितना उसके लिए डाउन पेमेंट करना होगा? हमें कम से कम 50% सर। 50% जी। तो अगर हम गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 12,00,000 है तो 6,00,000 उनको देना पड़ेगा, जिस कारण से हम 6% में उनको कर देंगे। 6% में हो जाएगा जी। तो इस वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ओवरऑल में म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो सारा इसमें मिल जाता है। स्टेयरिंग आप इसका चेकआउट कर सकते हैं, महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाता है इसका फ्रेंड्स AC वेंट्स। और इस साइड में अगर आप देखते हैं तो जितने भी आपको यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स है, चारों पावर विंडो आपको मिलता है। और इसमें सरीज हमें क्या क्या मिल जाएगा साथ में, थोड़ा वो बता दें आप। देखिए सर, एक्सेसरीज आपको जो ना फ्री में नहीं मिल रहा है, अगर हम अमाउंट इसमें ऐड करते हैं तो आपको एक्सेसरीज हम लगा के देंगे 50,000 का। 50,000 रुपये जी। तो ये जो अभी सीट कवर वगैरह है ये सारा अलग से आ जाएगा? जी अलग से आएगा। तो अभी मतलब अगर हम ऑफर्स की बात करते हैं तो कुछ ऑफर्स चल रहा है क्या? जी चल रहा है सर, जो हम अभी आपको दे रहे हैं बिना एक्सेसरीज का जो दे रहे हैं 11,95,000 में ये गाड़ी, तो हम अगर एक्सेसरीज लगाते नहीं लगाते हैं फ्री में तो हम 11,80,000 में दे रहे हैं, मतलब 20,000 रुपये का। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर हम अभी देखते हैं तो बोलेरो का कौन सा मॉडल जो है वो सबसे सही रहेगा? देखिए B6 भी बहुत अच्छा है, और B ऑप्शनल भी जो है B6 ऑप्शनल वो बेटर है सर, लेकिन खास करके भी जो है ना B4 अभी गांव देहात में अच्छा चल रहा है, जो कमर्शियल यूज करने के लिए ले रहे हैं। मतलब B4 ज्यादा अच्छा जी, रहेगा जी जी, कमर्शियल के लिए। कमर्शियल के लिए और पर्सनल यूज के लिए जी B6 कस्टमर को मतलब सोल्यूशन देंगे हम, B6 ले ले, BS6 ऑप्शनल ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों सही रहेगा जी। म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारा मिल ही जाता है? हाँ जी मिल जाता है। सिर्फ आपका B6 और B6 ऑप्शनल में वाइपर का प्रॉब्लम आएगा सर, पीछे में वाइपर नहीं रहेगा B6 में, बाकी सारा कुछ सेम है, सेम रहेगा। तो अगर हम वारंटी वगैरह की बात करते हैं तो आप हमें ये बता दें थोड़ा कि कितना हमें कंपनी इसमें वारंटी जो है वो प्रोवाइड कर देती है और कितना हमें फ्री सर्विस मिलता है? देखिए वारंटी की बात करें सर तो इंजन की वारंटी जो है सर ये अब 10 साल की रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। और किलोमीटर का बात करें सर 2,00,000। 2,00,000 ठीक है। और फ्री सर्विस कितना मिल जाएगा इसमें सर? अभी फ्री सर्विस तो हम 5 कर रहे हैं, अगर महिंद्रा बढ़ाएगा तो 5-6 हो सकता है, अभी तो 5 ही मिल रहा है, 5 मिल रहा है जी फ्री में। ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी बोलेरो की जो है वो फुल डिटेल्स। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का यहाँ पे बैक लुक बोलेरो की, यहाँ पे आपको बैजिंग जो है वो मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ आपकी जो भी डाउट्स होगी यहाँ पे बोलेरो फाइनेंस को लेकर वो सारी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप जो है वो अगर फ्रेंड्स शोरूम विजिट करना चाहते हैं तो आप शोरूम विजिट करके अपना जो कार है उसका टेस्ट राइड ले सकते हैं। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्रेंड्स मॉडर्न फ्यूल्स ग्रेडी में, और फ्रेंड्स यहाँ पे सुमित जी जो है वो आपको मिल जाएंगे शोरूम पे, आप इजीली आए विजिट करें, इनसे बात कर सकते हैं। ग्रेडी का जो कस्टमर है, ग्राहक है, अगर पूछताछ जानकारी लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ग्राहक से निवेदन करेंगे कि झारखंड का ही कॉल करें, झारखंड से बाहर ना करें, ताकि हम आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे सर। तो आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स हम यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।